नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। और उदय इंडिया की चुनाव यात्रा जो है इस वक्त उड़ीसा के चिल्का विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पृथ्वीराज हरिचंदन जी, जो कि उनका ये पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र रहा है। हालांकि पिछली बार वो यहाँ से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो बहुत जो खरोश के साथ प्रचार कर रहे हैं। उदय इंडिया की टीम ने उनके चुनाव प्रचार को कवर किया और उनकी चुनाव यात्रा चिल्का क्षेत्र के गली गली गांव गांव से गुजर रही है। हम आपको लगातार फुटेज दिखा रहे हैं। ये विजुअल जो है चिल्का विधानसभा क्षेत्र के हैं, जहाँ की जनता ने हरिचंदन जी का स्वागत किया। लेकिन हम यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि उड़ीसा के इन गांवों में जो सुदूरवर्ती गांव है चिल्का क्षेत्र के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता है। और शायद यही वजह है कि चिल्का क्षेत्र की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट देने का फैसला किया है, क्योंकि उदय इंडिया की टीम लगातार भारत के कोने कोने में लोगों से मिल रही है। उसी तरह से चिल्का क्षेत्र में भी हमने कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं से, लोगों से, बच्चों से, दुकानदारों से बात की, जो उन्हें बताया कि इस बार का वोट परिवर्तन के लिए है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 25 साल के शासन से आज ही जा चुके हैं। उन्हें लगता है कि नवीन पटनायक जो है वो इनएक्टिव हैं और पूरा शासन जो है वो उनके जो पूर्व नीति सचिव हैं, जो कि राजनीति में शामिल हो चुके हैं पांडियन, उनके हाथ में जा चुका है और उड़ीसा की जनता कतई ये नहीं चाहती है। तो ये चिल्का क्षेत्र की जनता की आवाज़ है, उनकी सोच है। लेकिन अब चुनाव परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा तो काउंटिंग के बाद ही आएगा, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है परिणाम। पृथ्वीराज हरिचंदन जी जो है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों का अंजाम क्या निकलता है, ये जनता का मत, उनका वोट ये तय करेगा। हम इसी प्रकार से आपको उड़ीसा के हर क्षेत्र का, भारत के हर क्षेत्र का राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ध्यान रखिएगा, ये जमीनी हकीकत है जिससे उदय इंडिया लगातार आपको वाकिफ करा रहा है। नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि भाव में भारतीय जनता पार्टी तरफ गुरु और हमारी ये मुहिम है, हमारी ये सोच है कि हम ऐसे ही आपको देश की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।